नीट पेपर लीक की कहानी जो इनिशियल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में बाहर निकली है आपको अचंभे में डाल देगी। किस तरह कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ एक वर्ग के रिलीजियस लोग जो कि स्कूल में प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, कुछ पत्रकार उसी कम्युनिटी के, जब मिल जाते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, पर नहीं, उनका मोटिव अलग है कि मुसलमानों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सरकारी पोस्ट में बैठाएं, और जब ये आका हो जाएंगे तो सारा देश उनका हो जाएगा। ये पेपर लीक हुआ इन पॉलिटिकल आकाओं के संरक्षण में, बड़े स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने ये पेपर लीक कराया पत्रकार के जरिए, फिर ये बिहार गया, बिहार से सारे जगह पहुंचा। और सबसे अचंभे की ये बात है कि केरला के एक न्यूज़पेपर में टॉपर्स की फोटो और उनके नाम छपे, जिससे जाहिर होता है कि वो सभी ज्यादातर एक ही कम्युनिटी के लोग थे। इसका क्या मतलब है? ये बहुत सीरियस साजिश है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास गलत है। ये आरक्षण जाना चाहिए, जो काबिल है उसी को मिलना चाहिए। आज से 50 साल पहले इस तरह का पेपर लीक नहीं होता था, ये अब क्यों शुरू हो गया? इस पर विचारने की जरूरत है, आम आदमी को जगाने की जरूरत है। और जो ये कानून लाया गया है पेपर लीक के लिए कि करोड़ों का जुर्माना और 10 साल की कैद होगी, उसको लागू करें जिससे कि सबकी स्पाइन में शिवरिंग हो जाए कि ऐसा काम नहीं करें। होप सरकार सुन रही होगी, सरकार के अफसर सुन रहे होंगे, और ये पॉलिटिशियन भी सुन रहे होंगे।